बेटा। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। सो आपका भाई रेडी होके जा रहा है, ठीक है, कुछ इस तरह का आउटफिट है आज का। और लिफ्ट में हूँ अभी मैं, तरुण भाई आ गए बाहर। आज ऑफ रोडिंग के सीन्स है, मतलब सीन्स अभी तक ये बने हुए, बाकी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। बाकी अभी चलते तरुण भाई से मिलते जाके ब्रेकफास्ट करते। सबसे पहले ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो एक काम करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, करते आज के डे की शुरुआत। चलिए खुल जा सिम सिम। यार मनाली की आदत हो गई है ना, लेकिन भाई वहाँ पे मतलब मौसम इतना वो नहीं होता, धूप इतनी तेज नहीं होती। अभी इतनी तेज धूप है तो हाथ में ब्लेरो भी आ गई है। हेलो जी, जी कैसे हैं आप? वेलकम टू जम्मू। अच्छा बहुत टाइम के बाद आया मैं। चाँद नहीं हो रही क्यों? पता नहीं कैसे कुछ बहुत हद से ज्यादा गोरे दिख रहे हो यार। अभी जैसे अभी एक कमेंट आया हुआ है, बता मेरे को, कहते भाई अशोक भाई अंग्रेज लग रहे हो। नहीं, 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 आप उधर से आए ना। हाँ। मेरे को लगा ही नहीं। अलग ही गोरे, अलग नेक्स्ट लेवल गोरे। स्मार्ट हो गया हूँ। वाह, ब्लेरो में बैठ के ना बिल्कुल मतलब ऐसे रॉ देसी फील आती है, सच में बताए। गाड़ी सॉलिड है यार ये, मतलब एक अच्छा डिसीजन था आप ये लेना। मतलब ठीक है, बेसिकली ना अगर आप ज्यादा महंगी गाड़ी ले लेते हो ना फिर उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते। एग्जैक्टली तो ये इसलिए लो बजट की गाड़ी है, मेंटेनेंस भी कम है। जो अपना काम है आप इसको उसे थोड़ी यूज भी कर सकते हो ना। बेसिकली वही रीजन है लेने का ना, ये मेन वही है। और ऊपर से साफ है गाड़ी। हाँ मतलब 2019 मॉडल 4x4 है, भी रेयर है। सब लॉक नहीं लगे हैं? सब लॉक लगे, सब लॉक नहीं लगे। मेरे को बताओ लगाने चाहिए? हाँ अच्छा पड़ेगा। हब लॉक से बहुत फर्क पड़ता है, आपकी शाफ्ट भी फ्री हो जाती है पूरी। हाँ, नहीं, और ऊपर से वो लॉक हो जाएगी और स्टीयरिंग भी हल्का हो जाएगा आपका। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। और ऑफ रोडिंग का सीन है आज ना, बाकी और भी बंदे वेट कर रहे हैं। तो यार अपनी लोकेशन में हम लोग पहुंच गए, आज जा रहे हैं हम ऑफ रोडिंग करने के लिए। लेकिन एक सीन और है, हम लोगों को जल्दी वापस आना पड़ेगा यहाँ से नीचे। हमारे साथ ना आज है टोटल 3 गाड़ियां नीचे, एक अपनी ब्लेरो होगी, एक पीछे से सफारी भी आ रही है, और साथ में मेरे को 3 बजे से पहले पहले वापस आना पड़ेगा, पता है, क्योंकि उस एंगेजमेंट वाले फंक्शन में भी जाना है। आ जाएंगे ना? हाँ, और साथ में मेरे को चलानी तरुण भाई की जिमनी, क्योंकि उसमें लगा हुआ है विंड बूस्टर। हाँ। फर्क पड़ रहा है उससे? मेरे को तो फील होता है काफी लोग, मेरे को मतलब कबीर ने भी लिया ना, वो बोल रहा था कि यार एक बार तरुण भाई की गाड़ी चला के देखना। चला के देखोगे ना फिर आपको बताना मैं, क्योंकि जिमनी मैंने बहुत चलाई हुई है, देखते हैं। हां जी बड़े अच्छे हो आप, फिर क्या गैंगस्टर बने हुए थे आप गुंडे? देखो संडे को फ्री एंजॉयमेंट और लुक भी वैसे ही। कहां पार्टनर का है आपका? पार्टनर आज छुट्टी पे है। क्यों, क्या पता? चलो तो यार अभी हमारे साथ देख सकते हो, एक तो जिप्सी किंग है, किंग अपने पास आ गई है, थार 700 आ गई है, सफारी, रेंगलर और ब्लेरो। यार ये लोग क्या मजाक कर रहे हैं, यहाँ से उतार रहे हैं गाड़ी, यहाँ से उतार रहे हो भाई, क्रेजी है। व्हाट विल डू, विल फर्स्ट अलाइन अवर थार इन दिस पोजीशन, ठीक है, देन विल गो डाउनवर्ड्स। क्या बोलती पब्लिक? आप बड़े अच्छे हो। क्या बोलते हो, ठीक है ना भैया? मैं बढ़िया बढ़िया। मैं भी इसकी डायरेक्शन बना लेते हैं गाड़ी की सीधी। नए लीडर वाले राजा सदा बेफिकर, ठीक है, और हम ये करेंगे जो अभी करने जा रहे हैं ना, ये क्रेजी चीज है। मतलब ये देखो ना गाड़ी ऐसी जगह से, मतलब यहाँ से भी उतार सकते हैं, और साथ में बोल तो रहे कि राइट साइड से उतारनी है, लेकिन टॉप पर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब काटो, परे काटो, अब पूरी काट दो, निकल गई निकल गई। चलो चलो पीछे ले जाओ, एक झटका चाहिए, टूट जाएगा। चलो झटका, परे काटो, निकल गई निकल गई। नहीं नहीं टूट जाएगा, आप हट जाओ हट जाओ, टूट जाएगा टूट जाएगा। स्टीयरिंग काट दो परे, पूरा निकल जाएगा। चलो ऑडियंस आ गई है बहुत सारी, यहाँ देखो फ्लैक्स चेक करो एक बार, ये देखो दो आने इस से पूरा काटो काटो, आने दो, चलो 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 चलो, बिल्कुल सही है, जाने दो जाने दो, निकल गई निकल गई। उस साइड काटो, उस साइड काटो, राइट करो राइट करो, इजीली निकल गई, देखा इजीली उतर गई इजीली। चलो नेक्स्ट गाड़ी अब जिप्सी है, नहीं रिवर्स ले जाओ, रिवर्स 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 रिवर्स, ऊपर चढ़ाओ पीछे,
बस 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 आराम से फिर गड्ढे में घुस गई। आराम से हल्का एक सीढ़ी देके पीछे चढ़ाओ फिर एक बारी में ले जाओ, बस ब्रेक मार दो, झटका नहीं। अब आराम से गड्ढे में जाने मत देना, चलो बस बस आराम से निकल जाएगी, जाने दो। बस गए गए बस गए गए बस बस क्या बोला बोला कौन सी गाड़ी आएगी अब आएगी ब्लेरो। अच्छा अब आएगी हमारी ब्लेरो। थार निकल गई, जिप्सी निकल गई, ब्लेरो की बारी। और स्टॉक स्टॉक टायर्स यस नहीं स्टॉक टायर्स नहीं है, टायर तो अपग्रेडेड है लेकिन हाईवे टायर आई थिंक। बहुत बढ़िया जान दे जान दे, कख नहीं है, हल्की जी पीछे करो, पीछे ले जाओ। इतनी हरी ओपन डिप धनु भाई थोड़ी सी आगे आगे नहीं 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 नहीं, नहीं आगे यार गड्ढा बना दिया इसने यहाँ पे। निकल गई बस ब्रेक मारो ऊपर ही मार देना, एक बार उतर के जजमेंट लेंगे पूरी कैसे निकलेगी क्या होगा। जारी जारी चलो तरुण भाई, सुनो एक जगह नहीं आगे पीछे, बस 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 नहीं ये फिर से उसी पोजीशन में आ जाएगी, आप स्टीयरिंग कार्ड के पीछे ले जाओ, दूसरी साइड स्टीयरिंग काटो, एक बार पीछे ले जाए दो। ओ किस चीज का गुस्सा निकाल रहे हो आप तरुण भाई, नहीं कटेगी आपको परे से लानी पड़ेगी। ये लो जी ये हो गया कांड, फुटरेस गया पूरा और चेसी लग गई है भाई, धक्का दे देंगे थक गए हम। ऑप्शन है धक्का देके निकालनी पड़ेगी, मतलब एक दो बंदे नहीं ज्यादा बंदे चाहिए धक्का देने के लिए। और ऊपर से भी गाड़ी पूरी स्टॉक है ना यार, और फुटरेस्ट पता है क्यों बोलते हैं फुटरेस्ट नहीं रखने चाहिए, इसलिए देखो ऐसे फंस जाते हैं। चार पांच बंदों ने धक्का दिया निकल गई गाड़ी और एकदम पूरा टूट गया फुटरेस्ट की वजह से। आज पहली बार लेकर आया मैं इसको, ये मुंडी चेक करो भाई का बाहर आ गया, सफारी भी ले आए अब भैया। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हमें तो एक ही कट में निकाली, बिल्कुल परफेक्ट चलाई है, हल्का सा धक्का दो गाड़ी आएगी यार, गाड़ी जैकअप हो सकती है, गाड़ी जैकअप हो जाएगी पूरी यहाँ पे, धक्का दे दो धक्का, रनिंग बोर्ड पे है गाड़ी। ब्रेक मत मारना यार, ठीक है ब्रेक मत मारना, बस अब राइट कर दो, अब निकल गई भाई, छुट्टी जाते सब यहाँ देखो, ऑफ रोडिंग वैसे चूज नहीं लगा के आनी चाहिए। निकल गई इजीली निकल गई, थोड़ी टेक्निक की जरूरत होती है और कुछ नहीं। बंदे भी डाल दिए हमने अंदर, ये देखो वेट डालने के लिए, क्योंकि पीछे से हवा में थी गाड़ी, वेट पड़ा ना इजीली ग्रिप मिल गया। यार वीडियो में पता नहीं ये चीज दिखी कि नहीं दिखी लेकिन रिस्की था ये, बहुत रिस्की बहुत था, और भाई लोग भी पीछे बैठ गए सारे के सारे, ये सारे चैनल देखते हैं, बताओ रिस्की था कि नहीं था, यार रिस्की था, रिस्की का मतलब होता है। बाकी अभी ऑब्स्टेकल स्टार्ट हुए और ट्राई करेंगे हम लोग, 3 बजे से पहले हम निकल जाए। अभी जिप्सी के साथ ना क्रेजी चीज होने वाली है, देखते हैं और आपको दिखाते हैं, मतलब यहाँ से आएगी गाड़ी ऐसी ना और वहां से ऐसी फ्लाई बाय। हो गई ये आराम से, एक अटेम्प्ट में नहीं चढ़ी, अब दूसरा अटेम्प्ट। नाइस, चलो सफारी की बारी अब, इजी भाई। मेरे को इतने फोन दिख रहे हैं, हर बंदे के हाथ में फोन है, और देखो हर बंदे के हाथ में फोन है, यहाँ पे वहाँ पे, ब्लॉगर्स एवरीवेयर। भाई ये बंदा ठीक नहीं है, ये बंदा क्रेजी है। चलो जी फन हो गया स्टार्ट, मड वाला फन हो गया स्टार्ट। ओ देख
वो भैया देखो कितना डीप है। हेलो यार, नीचे ये नहीं होता है, दलदल में। ऋषभ भैया, ऋषभ भैया नहीं, नीचे सॉफ्ट भी तो होगा। डालनी है जिप्सी? जिप्सी लेने, हाँ जिप्सी जा सकती है, जिप्सी हल्की निकल जाएगी। एक मिनट फ्रंट कैमरा से। यार ऋषभ भाई ना मेरे को गोरा गोरा बोल रहे हैं, बराबर है यार गोरे। अभी ना बहुत क्रेजी चीज होने वाली है, जिप्सी के साथ ट्राई करेंगे क्योंकि लाइट वेट है, इसको निकालना भी इजी है। और ऋषभ भाई की थार 700 में विंच लगी हुई है, तो जिप्सी अगर फंसती है इन केस तो इजीली निकल जाएगी, रिकवर हो जाएगी। बाकी कोई गाड़ी फंसी तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। और ये लग तो ऐसे बहुत डीप रहा है और साथ में दलदल हो गए, देखो। ओ भाई चेक हो रहा है, तो अभी देखते हैं जिप्सी आएगी आगे से। इंजन गर्म हो चुका है, आगे ना कूलेंट उबाले मार रहा है, ऊपर से कार्बोरेटर इंजन है, और सोचो इतना उबाले मार रहा है कि यहाँ तक साउंड आ रहा है। भाई बहुत पुश हो गया, बहुत पुश हो गया, लेकिन उतना डीप नहीं था, निकल गई, इजीली निकल गई जिप्सी। यार एक बार आवाज़ सुनो, ये देखो आवाज़ सुन रहे हो, उबाले मार रही है यार, ऊपर से कार्बोरेटर इंजन है ना। बंदे भी उबाले मार रहे हैं यार, अभी ना रेडिएटर बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, उबाले मार रहा था। चलो पानी वगैरह डाल दिया रेडिएटर में, ठंडी हुई गाड़ी, अब निकालते इसको बाहर और उसके बाद आएगी बोलेरो। चल छोड़ना नहीं अब। ये फिर हीट होगी, फिर 10 मिनट ऐसी इसको। अब इस गाड़ी को 10-15 मिनट और रेस्ट चाहिए, वो धुआं निकल गया वहां। देखो अरुण भाई ये गाड़ी फंस गई है बुरे हाल से, और भाई क्या कीचड़ उछला है, पूरी गाड़ी देखो कीचड़ से भर गई है। वाइट थी अभी तक, चमकती हुई अब ब्राउन हो गई है, फंस चुकी है। टायर की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि स्टॉक टायर लगे हुए हैं ना, और ऊपर से टायर की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है। मत करो जबरदस्ती, पर सिचुएशन अभी कुछ इस तरह की है, गाड़ी फंस चुकी है, चेकअप हो गई है, टो करके निकालनी पड़ेगी। विंच की जरूरत अभी नहीं पड़ने वाली, टोइंग पट्टा पड़ा है अपने पास, और बाहर उतरना एक टास्क था, लेकिन गाड़ी के अंदर से ये देख सकते हो आप, डिक्की खोल दी है और वहीं से लगा रहे हो। ये क्या कर दिया फिर से? एक्सप्रेशन दो फिर से, क्या दिया था भाई? गलत फंस गई है, मतलब ऑफ रोड करने भी आए और हम लोग जूते देखो कैसे लगा के आए, जूते भी बचाने हैं, कपड़े भी बचाने हैं। 3, 2, 1 खींच दी नाइस, थोड़ी सी और निकल गई भाई, इतनी इजीली आ गई है तो क्या है ये ऋषभ भाई क्या करने जा रहे हैं? ये एक्चुअली यहां से चढ़ा रहे ऊपर को,
थार के लिए काफी ज्यादा इजी था ये ऑब्स्टेकल, और अब आ रही है सफारी, टाटा सफारी। यहाँ नहीं जाना, पानी देखो कैसे प्रेशर में आया। ये पता है क्या हो रहा है, वहां से पानी निकाल के यहाँ डाल रहे हैं सारा। बाकी अभी ये वाला ऑब्स्टेकल सारी की सारी गाड़ियों ने कर दिया है। मेरे को निकलना भी पड़ेगा, 2 बज गए, अराउंड 3:30 बजे तक मेरे को वापस पहुंचना है, क्योंकि रेडी वगैरह होना है, 6 बजे एंगेजमेंट है, 7 बजे 6 बजे वहाँ पहुंचना है। गाड़ी हालत देखो, पूरी गाड़ी ब्राउन हो चुकी है, अब जाके वॉश करनी पड़ेगी, एंड कपड़े बच गए यार। और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, मतलब शूज वगैरह लाए नहीं है, कपड़े वैसे लाए नहीं है कि ऑफ रोड पे आ पाऊँ, मतलब यही ऑप्शन था मेरे पास, अदरवाइज तो मैं दूसरे कपड़े पहन के आया। ये अगर इसके टायर दूसरे होते ना, ये नहीं मानती, ये फंसती भी नहीं, टायर की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, तो ऐसा करते हैं आज जाके टायर डाल ही देते हैं। आज जाके आज हाँ डाल लेंगे। रैंगलर को देखो कि कहाँ पे चढ़ा रहे हैं, इजी भाई ये गाड़ी ना हर एक ऑब्स्टेकल बड़ी इजीली कर रही है। रैंगलर ने ये ऑब्स्टेकल कर लिया, ब्लेरो की बारी है, देखते हैं कौन कैपेबल है। ऑब्वियसली होगी तो रैंगलर, लेकिन फिर भी दिखाते हैं आप लोगों को। भाई ये भी इजीली निकल गई। चलो सफारी की बारी, थार 700 सबसे लास्ट में आएगी। यस स्पीड में बम्पर बजने का डर है, बज गया, वही स्पीड में बंपर बजने का डर था और वही हुआ, बज गया। सीधी लाओ, सीधी सीधी नहीं, ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे। यार सफारी का ना बम्पर टूटने का डर है, वैसे ही वो देखो वहाँ पे फ्रंट में बच गया हो, तो रिस्क क्यों लेना फालतू में, लेकिन फिर भी एक ट्राई मार रहे हैं शायद। नहीं नहीं नहीं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया आज, और जल्दी से निकलते हैं अभी होटल को, फ़ोन आ रहे हैं वहाँ से मेरे को, क्योंकि रेडी वगैरह भी होना है ना, साथ में जूते वगैरह साफ करके निकलना पड़ेगा, शर्ट साफ करनी पड़ेगी कहीं पे जाके, पानी चाहिए अब बस, क्योंकि होटल में ऐसे एंटर होना है गंदे कपड़ों के साथ, क्या ही एंटर होगा। और गाड़ियों की हालत देखो भाई, पूरा ये देखो ना, ग्लॉस ब्लैक है ना, पूरा ब्राउन हो गया है यहाँ से, कीचड़ ही कीचड़। तो यार ऑफ रोड करके हम लोग निकल गए हैं, बाकी प्लान्स हमारे बेसिकली ये बने हुए हैं, सारे बंदे अपने चले गए घर, पहले सबका प्लान बन रहा था कुछ खाने जाएंगे, लेकिन मेरे को एंगेजमेंट में भी जाना है, टाइम तो अभी 3 ही बजे, 6 बजे पहुंचना है वहाँ पे, ठीक है, लेकिन उससे पहले प्लान ये बना है कि कुछ खा लेंगे, और साथ में आपको स्टार्टिंग में बोला हुआ था सुबह की तरुण भाई की जो जिमनी है वो टेस्ट करेंगे हम लोग, तो ब्लेरो छोड़ देंगे वॉशिंग के लिए, जिमनी उठाते हैं वहाँ से, उसके बाद निकलते हैं कुछ खाने के लिए, एंड नंता को भी पिक कर लेंगे और जिमनी भी टेस्ट कर लेंगे। एक तो सीन बताए कि हम रुके भी ऐसे होटल में साला, वहाँ पे गंदे कपड़े के साथ जाना खुद को अजीब लगेगा, बोलेंगे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं हो, जब पैसे दिए भाई हमने होटल के, लेकिन ये कि खुद को भी अजीब लगेगा कि ऐसे, मतलब वहाँ कारपेट बिछे हुए सब जगह, पता है वो, हाँ लिफ्ट से निकलो सारे कारपेट ही कारपेट बिछे हुए, कारपेट गंदा हो जाएगा, कीचड़ का फायदा कर दो। लेकिन यार पता है आपको क्या, होटल में ना बाहर का खाना अलाउड नहीं है, और वहाँ का खाना 500 से नीचे है नहीं, सब कुछ 500 से ऊपर, ऐसे नहीं बोलो, बोलो सैंडविच चाय भी 400 रुपए की है, फिर ऑडियंस को समझ में आया। हाँ मतलब सैंड नॉर्मल जो टोस्ट नहीं होता, अगर आप कहीं बाहर टोस्ट खाने जाओगे वो आएगा शायद 30 रुपए, कितना ही टोस्ट होता है, वहाँ पे था 485 रुपीज चाय भी तो बता रहे थे 400 कितने, नहीं नहीं चाय नहीं, अच्छा मैं चपाती बोल रहा था, जो नॉर्मल 10 रुपए की चपाती आती है, 15 रुपए की चपाती आती है, वो 95 रुपीज की चपाती थी, छोटी सी, छोटी सी क्या बोल रहे चपाती। चलिए जी तरुण भाई के रूम में पहुंच गए, बाकी वो जिमनी लाने के लिए गया, मैं तब तक ब्लेरो आगे से घुमा देता हूँ, एक काम करते हैं ब्लेरो घुमा देता हूँ, और साथ में तरुण भाई के रूम में जाकर ना जूते भी साफ कर देता हूँ, अपने जूते काफी ज्यादा गंदे हो गए। बाकी आज मजा तो काफी ज्यादा है भाई, कितने टाइम के बाद मैं ब्लेरो चला रहा हूँ। भाई गाड़ी ना उस साइड से बिल्कुल साफ है, इस साइड से भरी हुई है, कहाँ पे मिलना है। बाकी अरे काम करते हैं, इस वाले ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि शाम को भी मतलब हम लोगों ने एंगेजमेंट में जाना है ना, तो ऑफ रोडिंग वाले ब्लॉग में वो चीज़ जोड़ना अच्छा नहीं रहेगा, तो एक काम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आज के ब्लॉग में आप लोगों को मजा आया होगा, मजा आया तो कमेंट में बताना, लाइक जरूर करना वीडियो को, चैनल पर जो जो नए सब्सक्राइब कर दो। बाकी काम करते हैं इस वीडियो को एंड करके फिर से दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं।